ईद के अवकाश के बाद कल फिर खुली नागौर जिले की मंडियों में हुआ अच्छा व्यापार। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचे। मेहता मंडी में कल मूंग 4,550 रुपये से 5,790 रुपये, चना 4,511 रुपये से 4,550 रुपये, गवार 5,500 से 5,850 रुपये, जीरा 14,000 से 23,000, सौंफ 7,500 से 12,500 रुपये, रायडा 6,500 रुपये से 7,350 रुपये, तारामीरा 5,400 रुपये से 5,700 रुपये, इसबगोल 10,250 से 13,800 और कपास 9,000 से 10,500 रुपये बिकी। वहीं अगर नागौर मंडी की बात करें तो नागौर मंडी में जीरा 18,000 से 23,000, गवार 5,500 से 5,850, मूंग 5,000 से 6,500, सौंप 5,000 से 10,000, इसबगोल 11,000 से 12,800, तिल 8,000 से 8,500, सरसों 6,000 से 6,500, तारामीरा 5,000 से 5,500, चना 4,500 से 4,650 और मेथी 5,000 से 5,500 रुपये बिकी। अब बात कर लेते हैं मौसम समाचार की। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन भी लोगों को तेज गर्मी से मिली है थोड़ी सी राहत। जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में कल सुबह और दोपहर चली आंधी के बाद आसमान में छाए रहे बादल और कहीं कहीं हुई हल्की बारिश, इससे तापमान में भी आई गिरावट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज से तापमान में फिर हो सकती है बढ़ोतरी। नागौर ज़िले की बात करें तो मामूली गिरावट के साथ कल नागौर ज़िले का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। खींवसर पुलिस ने लूट के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर लूट के दो आरोपियों को खींवसर कस्बे के पदमसर चौराहा और शंखवास से कर लिया गिरफ्तार। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीती 3 मई को ग्राम टांगला में शराब की दुकान पर सेल्समैन को डरा धमका कर 47,520 रुपये की लूट करते हुए शराब की बोतलें भी फोड़ी थी, जिसका प्रकरण खींवसर थाने में हुआ था दर्ज। थानाधिकारी गोपाल कृष्ण ने जाब्ते के साथ प्रकरण में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र जाट निवासी खरनाल और मुकेश जाट निवासी भाकरोत को मुखबिर की सूचना के आधार पर सुरेंद्र को शंखवास से और मुकेश को पदमसर चौराहे से कर लिया दस्तियाब। थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार महिपाल शराब की दुकान पर सेल्समैन का करता था काम। 3 मई को शाम करीब 6:15 बजे अचानक आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की तथा शराब की बोतलें फोड़कर गले में रखे 47,520 रुपये लूटे तथा कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर दुकान से बाहर खींचते हुए लाठियों से की मारपीट। रिपोर्ट में प्रार्थी सेल्समैन ने बताया कि इससे पहले भी आरोपियों ने उसे फ़ोन करते हुए धमकी दी थी कि दुकान बंद कर चले जाए। आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों ने के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपियों की तलाश की थी शुरू। अब कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को कर लिया गया है गिरफ्तार। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी एवं लूट की राशि बरामदगी के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। उधर पीलवा पुलिस ने बाल विवाह के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को ग्राम सीटावट और बासेट से कर लिया गिरफ्तार। 2 मई को गुपचुप तरीके से नाबालिगों की शादी करवाने तथा उसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने की है कार्रवाई। अनुसंधान में हिंदू बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर थानाधिकारी सूरजमल तथा पीलवा थाना टीम ने आरोपियों के घर दबिश देकर राजू राम नेमीचंद नरसिंहराम सुरेश निवासी बासेठ तथा मोहनलाल निवासी सीटावट को किया है गिरफ्तार। जिले में अन्य कृषि उपजों के साथ साथ अब प्याज को भी MSP के दायरे में लाने की उठी है मांग। किसानों को राहत देते हुए प्याज की खेती के संरक्षण के लिए सौंपा है ज्ञापन। गौरतलब है कि कुचामन क्षेत्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों को कीमतों में लगातार गिरावट के कारण करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना। गौरतलब है कि प्याज उगाने से लेकर निकालने तक किसानों के लिए प्रक्रिया रहती है बेहद खर्चीली तथा बेचने के टाइम उचित भाव नहीं मिलने से कई बार किसान खड़ी फसल पर चलाते हैं ट्रैक्टर।
वहीं प्याज की खेती मौसमी जुए की तरह भी देखी जाती है। मौसम अनुकूल नहीं होने पर भी किसानों को करना पड़ता है भारी नुकसान का सामना। किसान अपनी उपज को 1 रुपये से 10 रुपये किलो के बीच बेचकर ही कर रहे हैं गुजारा, जबकि बाज़ार में कीमत 30 रुपये प्रति किलो से लेकर 100 रुपये प्रति किलो तक पहुँच जाती है। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की ओर से कल प्याज की न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये निर्धारित करने की मांग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष परसाराम भुगालिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने सौंपा है ज्ञापन। अगर हम सरकार से मांग करते हैं कि प्याज के भी समर्थन मूल्य लगभग 30 रुपये घोषित करें ताकि किसानों को भी अच्छे दाम मिले। प्याज पर MSP नहीं मिलने का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। प्याज की फसल का इतना कम दाम मिल रहा है कि उनकी लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल के खर्च अधिक होता है। मेरे हिसाब से इस समय 17 से 18 रुपये प्रति किलो तक लागत आ रही है। ऐसे में 30 से 32 रुपये प्रति किलो खरीद हो तब जाकर किसानों को फायदा होगा। डीडवाना शहर में कल परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर विप्र समाज के तत्वाधान में निकाली गई शोभा यात्रा शहर के झालरिया मंदिर से आरंभ होकर चारभुजा मंदिर, महादेव मंदिर, हिंदी पुस्तकालय, नागौरी गेट, सदर बाजार, चौखंडिया भैरूजी, नरसिंह चौक होते हुए नागौरिया मंदिर पहुंची शोभा यात्रा, जहां पूजा अर्चना के बाद प्रसाद का किया गया वितरण तथा बाहर से आए अतिथियों और भामाशाहों के साथ समाज सेवकों का दुपट्टा पहनाकर किया गया स्वागत और सम्मान। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य सर्व समाज के लोग भी रहे शामिल। जगह जगह पर पुष्प वर्षा के साथ शोभा यात्रा का हुआ स्वागत तथा भगवान परशुराम के लगे जयकारे। आपकी प्रतियोगिता बहुत अच्छी रही। उस कार्यक्रम में जो अल्पहार की व्यवस्था की गई थी वो कुलदीप जी शर्मा कनेड़ी वाले, जिनके पिताजी सुरेश जी यहाँ मौजूद है, मैं भाभी भाई से निवेदन करूँगा। जिले के थावला कस्बे से होकर गुजर रही नेशनल हाईवे पर कस्बे से करीब 3 किलोमीटर दूर गुड्डा जगमालोता से पहले सड़क किनारे भूसंकलन से बना गड्ढा हादसे को दे रहा है न्योता। एकाएक सड़क किनारे बना गड्ढा इतना खतरनाक है कि दूर से दिखाई नहीं देता तथा साइज में इतना बड़ा है कि कोई भी बड़ा वाहन इसमें आसानी से उतर सकता है। इस मुख्य मार्ग पर 24 घंटे बना रहता है वाहनों का आवागमन। गनीमत है कि फिलहाल कोई नहीं हुआ है वाहन इसका शिकार। संबंधित विभाग को इस पर ध्यान देकर करना चाहिए उचित समाधान। यह है News 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज पोर्टल।